जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार है जो आप प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपसे जलते हैं। ये लोग बिल्कुल आपके आसपास हैं, ये लोग आपके बहुत करीब भी हो सकते हैं, और ये कौन लोग हैं, हमें इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, और हम इससे आने वाले समय में हम बच पाएँ और उन लोगों की हम सही तरीके से पहचान कर पाएँ। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन लोग आपसे जलते हैं या आपसे लोग क्यों जलते हैं, ये विषय को हम आज कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जातकों से जब बात होती है तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में डालती है। तो हम इस वीडियो को शुरू करें और जो भी पूरी चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है। और एक बात ये भी है कि अगर वीडियो में जो भी बात आपको अच्छी लगती है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है, शुल्क लागू। दोस्तों, तो हम अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि लोग हमसे क्यों जलते हैं। देखिए, होता सबसे पहली जो शुरुआतें होती है जिसमें एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कि हम जब भी कुछ पॉजिटिव करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और हम जैसा होते हैं, मतलब हम बहुत अच्छे इंसान हैं और सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम जैसा सोचते हैं सबके बारे में वही नज़रिया रखते हैं कि सभी लोग भी अच्छे होंगे, हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। लेकिन जब समझ आती है कि जब हम तो सब अच्छा कर रहे हैं पर सामने वाला व्यक्ति जो है, जिनके लिए बहुत सी चीज़ें हमने पॉजिटिव की, सकारात्मक की, और वो उन्होंने हमारी उस चीज़ अच्छाई का फ़ायदा उठाया, ये हमें बहुत समय बाद मालूम पड़ता है। तो सबसे पहली और मुख्य बात यह है दोस्तों कि आप बिल्कुल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें दूसरी बात है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन, आप अपने नाक कान आँख सभी खुले रखें, जितने भी हमारे सेंस होते हैं, हमारी इंद्रियां, उन्हें खुले रखें और चीज़ों को ऑब्जर्व करें और झूठ को पकड़े। कई बार आप अच्छाई में सब अच्छी चीज़ें आपको दिख जाती है, सब चीज़ें अच्छी दिखाई देती है, लेकिन रियल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर हमारी निगाहें नहीं जाती है। तो प्लीज़ आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझें। आप अच्छे हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया अच्छी है, ये नज़रिया आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग जो लोग आपसे जलते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं और वो लोग बस इसी एक अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ थोड़ा सा आप इस पर गंभीरता से अगर अपने जीवन में समझेंगे तो मुझे पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि आप बहुत सी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात है कर्ज उधार, ये दोनों चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें, कर्ज देना लेना इन सब चीज़ों से दूरी बना कर रखें, सकारात्मक रहें और महाकाल या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपके हक में है, आपके पक्ष में, और आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा है। जो लोग जल रहे हैं आप उनको इग्नोर करें, आपको पता होता है कि हमारे ऑफिस में, हमारे पड़ोस में, घर में, कहीं भी जो जल रहे हैं उन्हें इग्नोर करें, उनके जलने से कुछ नहीं होता है, वो केवल हमारा माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं और हम उस चीज़ से परेशान हमें नहीं होना चाहिए। जिसको जलना है जलें, हम हमारी मस्ती में आनंद में हमेशा रहें, यही एक सच है। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।